हाय फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब घर में होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आई एम बैक विद अनदर पेंटिंग वीडियो। सो ये आज की पेंटिंग जो है काफ़ी सिंपल है। इसमें ये जो आफ्टरनून के बाद का टाइम डिपिक्ट किया है, जब अभी इवनिंग और आफ्टरनून के बीच का टाइम है, कि इवनिंग की अभी बिगनिंग है और आफ्टरनून जा रहा है, क्योंकि जो सन का आप लेवल देख सकते हो स्काई में बहुत हाई नहीं है, समवॉट अब वो इवनिंग की तरफ जा रहा है। तो ये पिक्चर मुझे इंटरनेट पर मिली थी और मुझे ये सिल्वर बहुत अच्छा लगा था, एंड आई थॉट ऑफ टर्निंग इनटू अ पेंटिंग। सो हेयर आई एम विद दिस पेंटिंग। और ये जो आप टेम्पलेट स्क्रीन पर देख रहे हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और जो भी कैसे डाउनलोड करना है, क्या है, बाकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में दूंगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम एकता है, वेलकम टू माय चैनल रेनबो डॉट्स बाय एकता करना। ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग, ये सब मेरी हॉबीज़ है और मैं ये सब कुछ अपने फ्री टाइम में क्रिएट करती रहती हूँ और यूट्यूब के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे और मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करिएगा। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आपको यहाँ पे कलर्स चाहिए रेड, ब्लैक, येलो एंड वाइट, और इन फोर कलर्स की हेल्प से हम पूरी पेंटिंग क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने टेम्पलेट को मेरे कैनवस पे ट्रेस कर रही हूँ। सो मैं ये इसलिए ट्रेस कर रही हूँ सो दैट मुझे आइडिया लग जाए कि मेरा सन का प्लेसमेंट किधर है। मेरे को सन की प्लेसमेंट की क्लैरिटी हो जाए तो उसके लिए मैंने पहले अपने टेम्पलेट से अपनी ड्राइंग को अपने कैनवस पे ट्रांसफ़र कर लिया है। अगर आपको भी डिफ़िकल्टी लगती है डायरेक्ट कैनवस पे ड्रॉ करने में, अगर आप भी कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो। आप भी ट्रेस कर सकते हो अपने कैनवस पे, पहले आप एक शीट पे ड्राइंग बना लें और फिर उसको आप कैनवस पे ट्रांसफ़र कर लें। और ये मैं कैसे ट्रांसफ़र करती हूँ, मैं ऑलरेडी पिछले कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो कि आप अपनी ड्राइंग को कैनवस पे कैसे ट्रेस कर सकते हो। और यहाँ पे मैं आपसे थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगी, ये शूट करते वक्त जो मेरा आगे का पार्ट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो मुझे उसको रीशूट करना पड़ा। तो ये जो आगे का आप देखोगे बैकग्राउंड जो बेस है, तो वो मेरे को रीशूट करना पड़ा है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा जो मेरी ओरिजिनल पेंटिंग है उससे डिफरेंट है। सो मैंने ये माइंड में सोच के चली थी कि मैं इस बैकग्राउंड को आगे किसी और पेंटिंग के लिए यूज़ करूँगी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। तो आप देख सकते हो सन का साइज इसमें काफ़ी बड़ा है, बट ट्रस्ट मी द प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इसी प्रोसेस से मैंने अपना इस करंट जो पेंटिंग है उसका बैकड्रॉप प्रिपेयर किया था, बट कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया, वो वीडियो मेरा स्पॉइल हो गया, उसके वो आगे बहुत बड़ा शैडो आ गया, तो मैं उसको इस वीडियो के लिए यूज़ नहीं कर सकती थी। तो मैंने स्पेशली इस वीडियो के लिए इसको रीपेंट किया है। यहाँ पे हम येलो कलर का सर्कुलर ग्रेडियंट पेंट करेंगे। सो सन हमारा सेंटर में है, वो एकदम ब्राइट रहेगा, और उसके बाद मैंने जो उसका आप आउटलाइन देख रहे हो एक लाइट येलो कलर क्रिएट किया है। वो लाइट येलो कलर में मैंने वाइट में थोड़ा सा येलो मिक्स करके किया था, एंड अब उसके बाहर मैं अपना येलो कलर कर रही हूँ, और उसके अंदर थोड़ी सी और उसको डार्क करने के लिए मैं बहुत स्लाइटली सा, जस्ट टेक अ नोट, बहुत बहुत स्लाइटली सा रेड कलर ऐड करूँगी, सो दैट वो उसका आउटर जो लेयर है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाए। तो जब मेरे ये तीनों लेयर्स पेंट मैं कर लूँगी, फर्स्ट वाइट, देन लाइट येलो एंड देन डार्क येलो, और उसके बाद कॉर्नर्स पर थोड़ा सा मैं रेड का टच दूंगी टू हैव दैट ब्राइट इफेक्ट। सो मैं ये जो इनके एजेस हैं इनको ब्लेंड करूँगी। सो हेयर आई एम यूजिंग अ फ्लैट ब्रश। सो ये पूरा प्रोसेस मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से कर रही हूँ। तो जब भी आप ऐसे बैकग्राउंड पेंट करते हैं जहाँ कलर मिक्सिंग होती है और ज़्यादा पेंट यूज़ होता है, तो इट्स एडवाइजेबल टू यूज़ अ फ्लैट ब्रश। सो राउंड ब्रश यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, ये फ्लैट ब्रश होते हैं वही यहाँ पर अच्छे से वर्क करते हैं। सो आप देख सकते हो कि हमारे सारे कलर्स कितने स्मूथली ब्लेंड हो गए हैं आपस में, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गए, एक स्मूथ लुक आ गया है। तो ये वाला बैकग्राउंड थोड़ा सा लाइट है, बट जो मैं यहाँ पर पेंटिंग हॉर्स और गर्ल वाली जो बना रही हूँ उसका बैकग्राउंड तो थोड़ा सा डार्क था, तो वहाँ पर बस इतना ही फ़र्क है। जो मैंने येलो के शेड्स लिए थे वो शेड्स के कलर में इससे थोड़ा सा डार्कर टोन था,
वहाँ पर मैंने येलो में हल्का सा रेड और वेरी स्लाइटली ब्लैक, वो एक ब्राउनिश लुक देने के लिए बहुत स्लाइटली ब्लैक ऐड करा था, सो दैट मेरा वो डार्क येलो आ जाए. और रेस्ट पूरा प्रोसेस सेम है. और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सन को ब्राइट करूँगी, एक वाइट का टचअप दूँगी, और वो भी फ्लैट ब्रश से, तो उसको एक बार रीपेंट करेंगे और हमारा बैकग्राउंड फिर रेडी हो जाएगा. सो वंस द बैकग्राउंड इज़ कम्प्लीटली ड्राई, जब बैकग्राउंड बिल्कुल ड्राई हो गया, कलर एकदम ड्राई हो गया, तो उसके बाद अब इसके ऊपर आगे का वर्क स्टार्ट करते हैं. सो मैं यहाँ पे फिंगर की हेल्प से नीचे का डार्क ब्राउन कलर क्रिएट कर रही हूँ, दैट डिस्टेंस पे कुछ मे बी बुशेज हैं, ट्रीज हैं. सो उसको पेंट करने के बाद उससे हल्का सा डार्कर टोन से मैं गर्ल और हॉर्स को पेंट करूँगी. आई नो मेरे वीडियो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, बट मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ जितना मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ एक्सप्लेन करने की. अगर आपने नोटिस किया है तो मैंने अपना वीडियो का स्टाइल भी थोड़ा चेंज कर दिया है. मैंने फास्ट फॉरवर्ड या स्पीड मैं अपने वीडियोज़ की नहीं कर रही हूँ, सो दैट आपको एग्जैक्टली दिख जाए कि किस तरह से ब्रश के स्ट्रोक्स लगाने हैं, कितनी स्पीड पे ये वर्क होता है. या कट्स मैं बीच में दे रही हूँ, बट इसकी स्पीड जो आप अभी देख रहे हो, दैट्स द रियल टाइम. सो रियल टाइम पे ये पेंट हो रहा है. तो और प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि मैं ये इमेजिनरी उस पर कर रही हूँ. तो जो मैंने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, मैंने ट्रेस जब किया था तो वहाँ पे मुझे अभी भी, और क्योंकि येलो कलर लाइट होता है तो येलो कलर पे आपको नीचे पेंसिल मार्क्स दिखते हैं, तो मुझे वो पेंसिल मार्क दिख रहे हैं, तो उसको मैं गाइडलाइंस रख के मेरा ये अपना हॉर्स एंड गर्ल को पेंट कर रही हूँ. अभी गर्ल को पेंट करने के लिए थोड़ी सी फाइन डिटेल्स है, सो मैंने फ्लैट ब्रश से राउंड ब्रश पे स्विच कर लिया है. सो मैं राउंड ब्रश की हेल्प से अपने आगे की पेंटिंग कंप्लीट करूँगी, और जहाँ हॉर्स की भी थोड़ी डिटेलिंग देनी है पार्ट्स की, उसके ऊपर भी वर्क करूँगी. सो नाउ इट्स टाइम टू पेंट द ग्लो. सो जो मैंने बैकग्राउंड में येलो कलर लिया था, उसी को मैं थोड़ा सा और उसमें वाटर ऐड करके उसको थिन कर दूंगी, और मैं यहाँ पर इसको सर्कल मोशन में, सर्कुलर फॉर्म में पेंट करूँगी. ये क्योंकि थिन होने की वजह से नीचे जो ऑलरेडी कलर है उसके अंदर ब्लेंड हो रहा है, सो यू डोंट वरी. दो तीन कोट्स हम लगाएंगे और उसे हम बैकग्राउंड के साथ मर्ज कर देंगे, तो वंस इट्स ड्राई तो वो वहाँ पर ब्राइटनेस, वो ग्लो दिखेगी. नाउ इट्स टाइम टू ऐड द डिटेलिंग्स. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्लो ऐड कर रही हूँ, हाईलाइट्स शो कर रही हूँ, तो थिन राउंड ब्रश लेकर उससे मैंने ये हाईलाइट्स क्रिएट किए हैं. और गर्ल्स के हेयर की और हॉर्स के हेयर की डिटेलिंग बहुत थिन, बिल्कुल लाइट स्ट्रोक्स लगाने हैं फेदर की तरह. ब्रश पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना, बहुत जेंटली, बहुत स्लोली स्ट्रोक्स लगाने, जैसे आप फेदर जैसे मूव कर रहे हो, बहुत जेंटली यहाँ वर्क करना है. सो आवर पेंटिंग इज़ डन. अगर आपको ये टेम्पलेट एक्सेस करना है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि इसको बहुत जल्दी 250 व्यूज़ मिल जाए. येस, जब मेरे इस वीडियो को 250 व्यूज़ मिल जाएंगे, तो मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF लिंक दिया है, वो एक्टिव हो जाएगा और आप तब इसके टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं. देखिए, अगर मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी मेरी हेल्प करिए मेरे चैनल को ग्रो करने में, मेरे वीडियोस को ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में. अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ दूसरों की भी हेल्प करिए, दूसरों को भी मेरे इस चैनल के बारे में बताइए, और मुझे फीडबैक में भी लिख के आप अपना फीडबैक भी दे सकते हो, आपको पेंटिंग कैसी लगी, या आप मैं और किस टाइप की पेंटिंग क्रिएट करूँ, या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो उसके बारे में भी आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइए. मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उन पर रिवर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है. आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए.